So today we're gonna painting with tissue paper. And I make fashion, DIY and sea related content on my YouTube channel, and this channel is all about trying and explore new things, and I upload a new video every Tuesday, Thursday and Sunday sharp at 8 PM. So make sure कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, जिससे मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. एंड आज के इस वीडियो में हम टिश्यू पेपर के साथ पेंटिंग करने वाले हैं. सो बेसिकली हम टिश्यू पेपर में एक्रेलिक कलर मिक्स करके एक डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू. तो ये हम MDF शीट का यूज कर रहे हैं. अगर आपके पास MDF शीट नहीं है तो आप पेपर शीट भी यूज कर सकते हो, उस पर भी अच्छे से बन सकती है. तो इक्वली बनाने के लिए हम सेंटर में पहले मार्क करेंगे, देन इस पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे. ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसे भी हम इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एंड इसे इस तरीके से चेक बना देंगे. तो अब हम इस पे ड्राइंग करेंगे, और ड्राइंग के लिए अभी जो वो एस्थेटिक वाले हार्ट्स चल रहे हैं वो प्लान कर रही हूं मैं. तो अभी मैंने इसमें पानी लिया हुआ है और इसमें हम थोड़े थोड़े से कट करके टिश्यूज डाल देंगे. ऐसा कुछ मैं पहली बार कर रही हूँ, थोड़ी सी नर्वस हूँ कि ये सही होगा या नहीं होगा, बट लेट्स सी कि कैसे क्या टर्न आउट होता है. अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसमें जो एक्सेस पानी है इसे अच्छे से स्क्वीज आउट कर देना है. A few moments later. तो अब हम इसमें रेड कलर मिक्स करेंगे. कलर थोड़ा सा ज्यादा ही मिक्स करना है क्योंकि ये सूखने के बाद थोड़ा सा लाइट हो जाएगा. आई थिंक इसमें थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करना चाहिए क्योंकि ये एकदम रेड दिख रहा है और मुझे थोड़ा सा पिंक टोन में चाहिए. तो अब हमने जो ये ड्राइंग बनाई हुई है इसे फिल करना स्टार्ट करेंगे. तो हम इसे सेंटर से स्टार्ट करेंगे एंड दो छोड़ के हम फिर से इसमें फिल करेंगे. यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है. तो पहले हम इस पे ग्लू लगाएंगे क्योंकि ये पेपर है और पेपर MDF पे कैसे स्टिक होगा, इसीलिए हम पहले इस पे ग्लू लगा लेंगे. बहुत ज्यादा ग्लू यूज नहीं करना है, थोड़ा बहुत यूज करना है और इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे. ट्वीजर पे हम थोड़ा थोड़ा सा लेंगे एंड इस पे इस तरीके से रखते हुए इसे स्टिक करते जाएंगे. ज्यादा टाइम टेकिंग है और बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना टाइम लेगी, बट बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है. रेड कलर फिल हो जाने के बाद जो बाकी बचा हुआ कलर होगा उसमें हम व्हाइट एक्रेलिक कलर मिक्स करके इसका लाइट शेड बना लेंगे एंड वही प्रोसेस रिपीट करेंगे. ये कलर फिल हो जाने के बाद इसमें हम और व्हाइट एक्रेलिक कलर मिक्स करके इसे और लाइट शेड बना देंगे एंड वही प्रोसेस को रिपीट करके सारे हार्ट्स को फिल कर देंगे. एंड ये फिल हो जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था और ये एक टेक्सचर पेंटिंग की तरह लग रहा है. That's it for today's video. Video अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना. एंड आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो. इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जिससे मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो कीप सी यू एंड बी क्रिएटिव. बाय बाय.